आज जब युवा शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है, इन्हीं में एक अर्णव वत्स भी है जो न्यूजीलैंड में एक अच्छी नौकरी छोड़ गांव लौट आए और अब मछली पालन कर रहे हैं। शुरुआती दौर में ही 50 से 60 लाख रुपए सालाना आय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं से बात करते हुए यही कहते हैं। इससे प्रभावित हो अर्णव ने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया। बिहार के रोहतास जिले के करहगर प्रखंड के सोनवर्षा निवासी अर्णवत्स आज अपने गांव में करीब 10 एकड़ भूमि में तालाब खुदवा कर मत्स्य पालक के साथ साथ जल प्रहरी बन गए हैं और खुश हैं। कई लोगों को इसमें काम भी मिल गया है, लेकिन उनका करियर शुरू हुआ था एक इंजीनियर के रूप में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद। आगे की पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड से ले गए मास्टर ऑफ साइंस एमएस की डिग्री लेने के बाद 2017 में वहीं की एक बड़ी कंपनी ग्रिफिन्स के फूड प्रोडक्शन विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। अच्छी पैकेज और सारी सुविधाएं थी। अर्णव बताते हैं, सब कुछ था पर जब काम से खाली होते थे तो अपने गांव अपने देश की बहुत याद आती थी। पढ़ाई के समय से ही जब छुट्टियों में घर आते थे तो गर्मी के दिनों में वहाँ पानी की किल्लत होती थी। लेबर लोग काम करता है, अगल बगल के जो बेरोजगार लोग हैं युवक, वो भी आकर के ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारे इलाका में बहुत तालाब हो गया देख करके, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बचत कम है। अभी फिलहाल दाना का रेट बढ़ गया, फीडिंग खर्च ज़्यादा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। बेटा का, बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि बेटा का लोग जाने, देखो ये फलाने के पिता जा रहे हैं। इनसे एक फ़ायदा हुआ कि ये हमारे गांव में आए, हमारे नए पीढ़ी को रोज़गार दिए, किसी नौकरी पे की अपेक्षा नहीं रही, अपना खुद का रोज़गार कर रहे हैं। उनको भी हैंडपम्प से भी पानी नहीं निकलता था, यह विचार आता था कि इसका समाधान कैसे हो। इसी दौरान मछली पालन के क्षेत्र में काम करने वाले वीर बहादुर सिंह से मुलाकात हुई। उनसे आइडिया मिला, इसे आजमाने का फैसला कर लिया और 2018 में नौकरी छोड़ न्यूजीलैंड से गांव आ गए। इस फैसले से परिवार के लोग ना खुश थे, पर किसी तरह मनाकर उस आइडिया को धरातल पर उतारने का प्रयास शुरू किया। अर्णव ने मछली पालन के लिए तालाब खुदवाया, मछली के दाने के लिए अलग से 15 टैंक का निर्माण भी कराया। वह बताते हैं कि तालाब का पानी पुराना होने के बाद यूं ही नहीं बहा दिया जाता, बल्कि इससे खेतों में सिंचाई की जाती है। मछलियों का मल और लार युक्त पानी खेतों में पैदावार बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। सभी तालाब दोनों ओर से आसपास के खेतों से जुड़े हैं, किसानों को इससे मुफ्त पानी मिल जाता है। लोकल हमारा जो जिला है उसमें खपता है, उसके बाद औरंगाबाद जाता है जो आर्टिसन जिला है, कैमूर भी जाता है, फिर जपला तक यहाँ से मछलियाँ जाती हैं। तो कंजप्शन भी बहुत हाई है यहाँ से, मुझे लगता है कि 50-60 किलोमीटर दूर तक मछलियाँ पूरे एरिया में यहाँ से चली जाती है। सैलरी मुझे 1.5 लाख रुपीस मिलता था रुपीज़ के टर्म्स में, मतलब मुझे कितना हो गया, 45 का डॉलर रहता है, तो मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास मंथली मुझे मिलता था। बट वो मेरा इनिशियल फेज था, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास मुझे सैलरी मिलती थी पर मंथ। एक्शन जैसे मैं 90,000 बच्चों का स्टॉकिंग करता हूँ, तो 800 ग्राम पे अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो 9 8 कितना होता है, 9 8 72, तो 72 टन का प्रोडक्शन एक साइकिल में मेरा होता है। तो अगर मैं उसको 3 साइकिल में लेता हूँ तो 210 टन के आसपास मेरा प्रोडक्शन होता है एनुअली, मैं 3 साइकिल में करता हूँ। अगर लागत और इनकम की बात किया जाए तो इनकम कैसा रहा इससे? मैक्सिमम अभी इस साल कोरोना की वजह से तो सभी परेशान हैं, इसमें हम भी परेशान थे। बाकी पीछे के अगर कंपैरिजन करें तो 30% का बचत रहता था, बट अभी मैंने जो काम किया है वो 5% पे काम किया है। पर ठीक है, बिजनेस है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स होते हैं। तो इसमें कहीं कुछ आपको फंडिंग मिली या कुछ? मुझे बस एक छोटे से तालाब के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है, तालाब कंस्ट्रक्शन का एक सब्सिडी होता है 40% का, तो मुझे 2 एकड़ के लिए वो सब्सिडी मिला। साल का इनकम अगर हम टोटल ओवरऑल करें तो इनकम 30 लाख रुपए के आसपास, 30-35 लाख रुपए एनुअल इनकम मेरा आ जाता है। आपके इस बिजनेस एक ही जगह हमारा एक ही जगह पूरा एकदम। बीएनपी न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।